सो अपनी बाइक कुछ ऐसे लोडेड है। ये देखो भाई क्या गाड़ी चला रहे हैं यार। यार अटेंशन बहुत मिल रहा है यार इस बाइक और उस गाड़ी से, पता चला कि ब्रेकिंग क्या होती है। सामने एक ड्यूक जा रही है, इस पे विदाउट हेलमेट गाड़ी चला रहे हैं। जो मैंने फॉग लाइट लगा रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉग लाइट जो है, ये गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है इसमें। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So finally, बाइक जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मेरी बाइक दिख रही होगी, तो हम जा रहे हैं अपने घर। ये 160 किलोमीटर का ट्रिप होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है और रात भी हो जाएगा मुझे घर पहुंचते पहुंचते। तो जो इसकी लाइट है, जो मैंने हेडलाइट में नाइट आई लगवाया है और जो मैंने फॉग लैंप लगवाया है, वो सब टेस्ट हो जाएगा कि ये कैसा दिखता है। तो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि इसका जो लाइट है वो कैपेबल कितना है। इस ब्लॉग में आप बने रहिएगा क्योंकि इसके बारे में, BMW के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। तो पहले बाइक देख लो और फिर मिलता हूँ बाइक पे। सो अपनी बाइक कुछ ऐसे लोडेड है, क्रैश गार्ड वगैरह तो सब लगा ही हुआ है पूरा सब कुछ। तो ये है अपनी बाइक और इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक जुगाड़ बनाया है। ये बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है। वैसे इसको मैं ब्लेड से काट दूंगा और ये मुझे लगता है कि 50% इसका जो मतलब ये शेक करता है वो कम हो गया है। ये हमारा टॉप बॉक्स जो कि बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। ये मेरे बैग से कुछ सामान लेके जा रहा हूँ तो मैंने इसको यहाँ पर रोप से बांध दिया है। अभी जैकेट जो हमारी है वो मैं पहन लूँगा, हेलमेट लगा लूँगा, फिर निकलता हूँ। तो निकल गए भाई घर के लिए और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं घर पहुँचने के लिए। और इसको मैं पिछले मतलब 15 किलोमीटर से चला रहा हूँ और इतना मज़ा आ रहा है यार, बहुत लाइट वेट है और बहुत फन टू राइड फील हो रहा है। और मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितने भी बाइक चलाई हैं इतना कंफर्ट किसी में नहीं था, क्योंकि कंफर्ट वाली कोई बाइक ही नहीं थी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी टाइम जो हो रहा है वो दिखा रहा है कि 8:30 तक मैं घर पहुंचूंगा। तो 5:00 हो गया है एक्चुअली। तो अभी मैं किसान पथ पे हूं और कुछ देर में लखनऊ से बाहर हो जाएंगे। क्या बात है भाई, ये 90 और 100 में क्रूज़ करने में ना बहुत मज़ा आ रहा है इसको। और जो ये विंडशील्ड अपनी है ना, मतलब एयर ब्लास्ट जो है फील नहीं हो रहा है, अभी तो नहीं फील हो रहा है। मैं 90-100 में क्रूज़ करता हुआ आ रहा था और उसके ऊपर पता नहीं, इसकी टॉप स्पीड तो मैंने अभी चेक नहीं की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 140-150 के आसपास जाएगी और 120 में इसको क्रूज़ करने में अच्छा लगेगा। वाइब्रेशंस भी कुछ हैं या मुझे ऐसा लग ही रहा है। अभी कुछ दिन चलाएंगे 1500 किलोमीटर तो अच्छे से इसके बारे में मुझे पता हो जाएगा। तो अभी आगे बहराइच रोड आने वाली है। क्या बात, ओ ऐसे ऐसे कर रही गाड़ी है, ये मज़ा आता है। तो ये आ गई बहराइच रोड, बहराइच क्या फैज़ाबाद जाती है, लेकिन आगे से भाई फरकेट होके 12 टू बहराइच, पीछे है लखनऊ, मतलब लखनऊ ये है, ये पीछे अंदर पॉलीटेक्निक होते हुए मेन सिटी में गई है। अब हम लोग चलते हैं इधर भगा के थोड़ा सा। कॉल भी कई सारी आ गई थी ना तो सब पिकअप वगैरह करना पड़ गया था। ये देखो भाई क्या गाड़ी चला रहे हैं यार। यार मतलब इन लोगों को गाड़ी देख के स्पीड भगानी चाहिए। कुछ डर ही नहीं है भाई। चलो कोई नहीं, डर अपने अंदर है, आराम से चलेंगे। टाइम हो गया 6:30 यार और हम पहुंचे हैं अभी घाघरा। पिछले 20 मिनट से मैं यहाँ ढाबे पे बैठा था, कोल्ड ड्रिंक पिया, पकौड़ी खाया। अभी अपना जो घर यहाँ से है लगभग 90 किलोमीटर है। यार बहुत पसीना निकला, ढाबे पे लाइट नहीं थी, पसीना पसीना हो गए हैं यार। अटेंशन बहुत मिल रहा है यार इस बाइक को, इतना लोग देखते हैं, इतना देखते हैं। कैमरा बंद था मेरा, एक दो लोग पूछने भी लगे भैया ये कैसी गाड़ी है, ये कैसे कपड़े कैसे हैं, ये जैकेट को पूछ रहे थे। थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगे यार, ये भी चैन खोलूं यार, हाथ पाथ बहुत गर्मी लगने लगी यार। वैसे बहुत मज़ा आ रहा है भाई इसको चलाने में, माशाल्लाह। क्या बात है, घाघरा आने वाला है भाई। वैसे यार इस बाइक से पता है
मुझे ऐसा लगता है मैं अब घर जब मुझे आना होगा तो मैं कार से आऊँगा ही नहीं। बहुत मज़ा आ रहा है इससे आने में, बहुत कंफर्ट है, कूल लग रहा है एकदम, मस्त। पावर भी ठीक ठाक है, मतलब अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए तो पावर बहुत है। सुपर बाइक वाले हैं वो, उनके लिए थोड़ा सा पावर में कमी लगेगी। मुझे तो सही लग रहा है, मतलब अगर 35 bhp पावर पे 30 प्लस का माइलेज ये गाड़ी दे रही, भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, समझ लीजिए फिर आप, फिर तो आपने एकदम बस फ्री का माल मिल गया, फ्री का। क्योंकि 35 bhp पावर काफ़ी अच्छी है। अभी तक मैंने किस किस सेगमेंट की बाइक चलाई है मैं बताता हूँ। मैं यही बता देता हूँ कि शुरू से अब तक मेरे पास पर्सनल कौन कौन सी गाड़ियाँ थी। तो सबसे पहले जो मेरी बाइक थी वो थी पल्सर 150, जिसको मैंने मॉडिफाइड करके 180 में कन्वर्ट कर रखा था। मतलब इंजन 150 था बट थोड़ा सा लुक लाइक 180 था। उसके बाद मैंने परचेज़ की FZ वर्जन 2, मुझे बहुत पसंद थी। और उस गाड़ी से पता चला कि ब्रेकिंग क्या होती है, एक नंबर ब्रेकिंग थी उसकी, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग थी। और उसके बाद मैंने ख़रीदी पल्सर 220, जो कि अभी भी मेरे पास है, गांव पे खड़ी है। पल्सर 220 20 हॉर्स पावर का इंजन। अच्छा हाँ, हॉर्स पावर की बात करता हूँ मैं, तो पल्सर में जो था, पल्सर 150 में आई थिंक 14 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ था, और FZ वर्जन 2 में आई थिंक 12 या 13, एग्जैक्ट नहीं पता, वर्जन 2 आप लोग देख लेना, 12-13 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ था। और उसके बाद जब 220 खरीदी गई तो 20 हॉर्स पावर का इंजन आया, 20 हॉर्स पावर का। उसके बाद KTM RC 200 25 हॉर्स पावर, क्या बात है, कमाल का गाड़ी था। उसके बाद क्लासिक 350, जो कि अभी भी अपने पास है, 20 हॉर्स पावर, 350 cc, थोड़ा सा cc में सेगमेंट बढ़ा लेकिन पावर कम हो गया। उसके बाद KTM ड्यूक 200, फिर 25 हॉर्स पावर। उसके बाद सीधे CVR 650R, सीधे 85 हॉर्स पावर, कमाल की बाइक भाई, एक नंबर। ये स्कूटी का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद ये वाली बाइक BMW G310 GS, 35 हॉर्स पावर। तो 35 मतलब 25 के ऊपर सीधे मैं 85 पे गया था, बीच में कोई मेरे पास नहीं थी। ये पहली बाइक है इस सेगमेंट की 300 cc 35 हॉर्स पावर की, पहली गाड़ी है मेरी। खेतों में ले जाएंगे, टेस्ट करेंगे क्या परफॉर्मेंस देती है, ये निकल के आती है। ये था कॉन्फिडेंस, बट आप लोग ट्राई मत करिएगा भाई, मिस्टेक मुझसे हो गया। मैंने अपनी बाइक पे पीछे टॉप बॉक्स लगा रखा है, उसके बाद एक बैग रख रखा है, उसके बाद उस बैग के ऊपर एक हमने बैग है उसमें कुछ कपड़े रख रखा है, और वो जो इलास्टिक वाली रोप आती है उसे बांध रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग मैंने 10 से 12 किलो का सामान रख रखा है बाइक में पीछे, और पता नहीं चल रहा है कि पीछे कोई वेट है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है बस सिर्फ मैं गाड़ी चला रहा हूँ और पीछे कुछ नहीं है। इस बाइक में मुझे लगता है इसकी जो चैसी है और इसका जो वेट मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको चलाने के बाद आपको फील नहीं होगा कि इसमें वेट है, और आप जैसे तैसे इसको जैसे तैसे भी चलाना चाहेंगे चला लेंगे, मतलब लगेगी नहीं कि गाड़ी कहीं इधर ना भाग जाए उधर ना भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं फील होता है। सामने एक ड्यूक जा रही है, मतलब काफ़ी देर से मेरे आगे पीछे चल रही है, UP 40 बहरेज का नंबर है, और भाई पिछले 20 या 25 किलोमीटर से हम लोग आगे पीछे चल रहे हैं। दोनों बंदे ने हेलमेट जो है वो हाथ में ले रखा है, और ये हाईवे है भाई, इस पे विदाउट हेलमेट गाड़ी चला रहे हैं, मतलब मेरे आगे पीछे चल रहे हैं, टक्कर ले रहे थे मुझे। अभी अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि यार इन लोग के पास हेलमेट नहीं है, जबकि मैं पिछले 20 किलोमीटर से मेरे साथ चल रहे हैं, मतलब हेलमेट है लगा नहीं रखा है। यार कैसे कैसे लोग हैं भाई, अब इनको छपरी नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा यार, छपरी भी हेलमेट लगाते हैं यार इन, तो ये तो छपरी से भी बदतर हैं, मतलब खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है, आराम से हेलमेट लगा लें। आप बार बार कचड़ा पड़ रहा है आँखों में, बार बार आँखों में कचड़ा पड़ रहा है, तो हाथ से ऐसे ऐसे करके आँखें मिल मिला रहा है, अरे भाई हेलमेट लगा लो क्यों, ये ना बताए, मतलब ये वीडियो मैं बनाता नहीं, लेकिन मुझे तकलीफ़ हुई पर्सनली कि यार देखो मतलब हाईवे पे चल रहे हो, एक आधा किलोमीटर की बात होती, दो एक किलोमीटर की बात होती तो सोचता भी मैं, पिछले 25-30 किलोमीटर से लोग मेरे आसपास चल रहे हैं, तब मैंने नोटिस किया, तब मैंने ये वीडियो बनाया इतना सब नोटिस करने के बाद। अभी मेरे राइट साइड में बहराइच सिटी है, और ये जो रोड गई है ये बहराइच बाईपास है, ये सीधे नेपाल गई है, और अपना घर पड़ेगा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। अभी हम लोग लखनऊ वाले घर से 131 किलोमीटर चल चुके हैं, और भाई उमस सी बहुत हो रही है, मतलब होता ना कि मतलब गरम गरम सा लग रहा है, उमस सी हो रही है, तो बहुत बुरा लग रहा है। जो मैंने फॉग लाइट लगा रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉग लाइट जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, मुझे दो लाइटें ऐसी चाहिए जो प्रोजेक्टर लाइट हों,
क्योंकि ये सारी जो फॉग लाइट है और जो इसकी हेडलाइट में नाइट आई लगी है, ये सब लो बीम पे ही काम कर रही है। मतलब देखिए सामने ही काम कर रही है, सामने कौन सी बाइक जा रही है, क्या जा रही है, वो बहुत कम दिखाई देता है। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि दो प्रोजेक्टर लाइट मुझे ख़रीदनी पड़ेगी, या दो लाइटें HJG की और लेंगे जो फ्रंट पे लगा के सीधे थ्रो कर देंगे उनका, और ये वाली लाइट को नीचे करेंगे, मतलब नीचे लगा के और इसको लो बीम पे लगा देंगे फॉग लाइट की तरह कि पास में दिखे, और उसको फ्रंट में कर देंगे कि जो ऑटो जा रहा है डायरेक्ट ऑटो पे फोकस करे। एटलीस्ट 100-150 मीटर दूर जो गाड़ियाँ जा रही हों वो मुझे नज़र आ जाएँ। लखनऊ पहुँचेंगे वापस, फिर इंशाल्लाह प्रोजेक्टर लगवाएंगे। प्रोजेक्टर का जो थ्रो होता है, लेंथ होती है, वो ज़्यादा दूर तक होता है, और मुझे बस लेंथ चाहिए, क्योंकि वाइड जो है वो मेरे पास बहुत है, ये भी वाइड है और जो फॉग लैंप है वो भी वाइड है, तो वाइड के लिए और लो बीम के लिए तो अपने पास इनफ है, बट हाई बीम के पर्पज़ से नहीं है कुछ इसमें, उसके लिए प्रोजेक्टर मुझे लगाना पड़ेगा। सो ये लखनऊ वाली और लखनऊ टू नेपाल वाली रोड अब छोड़ रहा हूँ मैं और गाँव की तरफ। ये रास्ता देखो गाइज, ये रास्ता, ओ हो क्या बात है, पूरा पत्थर पड़ा हुआ है पहाड़ों वाला, लेकिन पता है ये गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है इसमें। सो मैं अपने गांव के पास आ गया हूँ और कल मॉर्निंग में मिलता हूँ फिर लोगों के रिएक्शन के साथ, और इसमें फिर बाइक दौड़ाते हैं इस पत्थरों में दिन में, जिससे अच्छे से पता चले कि ये कितनी कैपेबल है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ।